भैया आज हमारे पास है ये 13-in-1 एजुकेशनल सोलर रोबोट किट, और इसे आप सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं ये 13-in-1 एजुकेशनल सोलर रोबोट किट मात्र मात्र आपको सिर्फ और मात्र मात्र 749 रुपए की मिलेगी, मात्र 749, ओनली 749। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। इसके साथ आपको 100 रुपीज का कैश बैक भी मिलेगा, जो कि आपके 749 रुपए में बढ़ाया ही गया होता है, यानी इसकी ओरिजिनल एमआरपी 649 होती है। तो आप इसे लें या ना लें, मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस इसका करना है रिव्यू। तो इसे देखो, इसे परखो और इसके मजे लो। और अब मैं आगे आपको कुछ भी बकवास नहीं करूंगा, सारी बकवास हम करेंगे वीडियो शुरू होने के बाद। तो चलो भैया, रोज की तरह अपना वही घिसा पिटा डायलॉग मार के वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो इसको मैं फेंकता हूँ साइड में और करता हूँ वीडियो को शुरू। सो लेट्स गो। सब भूल कर कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग एक बार कर चुका हूं, मैं फिर से इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं आप सबके सामने। लेकिन तो है क्या पता कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग फिर से कर चुका हूं, है ना स्मार्ट दिमाग? वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो इसमें कुछ अनबॉक्सिंग करने लायक कुछ खास है नहीं, मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ खोल खोल कर इसमें है क्या। देखो टेप खुला हुआ है, यहाँ तुम्हें कुछ मिल जाएंगे प्लास्टिक की प्लेट्स जिसमें 3D डायग्राम्स बने जो कि तुम्हें गियर शाफ्ट्स एंड बॉडी के काम में आएंगे। तो इसमें कुछ फेविक वगैरह कुछ नहीं मिलता, ये डायरेक्ट मतलब हब टू हब कनेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे तुम्हें 4 तरह के 3D डायग्राम्स मिलेंगे जिसमें तुम्हें गियर शाफ्ट्स एंड बॉडीज है जिसे तुम कनेक्ट कर सकते हो हब टू हब, और स्टिकर्स भी है। और आगे देखते हैं इसमें है क्या। यहाँ पे तुम्हें ये कुछ ऐसा प्लास्टिक का मुझे मिल जाता है सिंपल एकदम, बहुत ही थिन सी प्लेट जो कि हमारे कुछ काम की होगी, रख देते हैं इसे अभी। और यहाँ पे हमें कुछ मिल जाती है एक बहुत ही हमारे हाथी भाई से मोटी मोटी बुकलेट, तो इसको रख देते हैं क्योंकि हमें ये पढ़ने की जरूरत है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। सही बात है। तो रखते हैं भाई इसको। और यहाँ पे मुझे मिल जाता है मोटर, सोलर पैनल और कुछ एसेसरीज जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल वर्क में काम आएगी। और यहाँ पे मुझे ये कुछ पॉली बैग्स दिख, पता नहीं भाई इन पॉली बैग से क्या काम है, पर आगे हम देखते हैं कि इनका हमें यूज प्रैक्टिकलिटी में क्या लगता है। तो भाई बहुत ही फालतू बातें हो गई, फालतू की चीजें भी दिखा दी, अब हम सीधा बना के देखते हैं कितना प्रैक्टिकल है, कितना काम करता है, कितना वर्क करता है, कितना क्या करता है भाई। तो देखते हैं जल्दी से। तो भाई अब डिसाइड करते हैं कि हमें बनाना क्या है। तो भाई ये 13-in-1 प्रोजेक्ट में से हमें सबसे पहला क्या बनाना है वो हम पूछेंगे गूगल से। तो चलो भैया गूगल से पूछते हैं। तो भैया गूगल, हमें इन 13-in-1 एजुकेशनल सोलर रोबोट किट में सबसे पहला क्या बनाना चाहिए बता दो जी। डॉग बोट। देखा आपने इसने क्या बोला, डॉग बोट, डॉग बोट। भरोसा, फिर से पूछवाता हूँ। देखा भाई डॉग बोट, फिर से बोला डॉग बोट। नहीं भरोसा, तीसरी बार पूछवाता हूँ। तो ये देखो, तुम्हें इस सोलर किट में किसी भी चीज को बनाने के लिए 3 चीजें सबसे मेन चाहिए। वो 3 चीजें क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो कि पहला है इस सोलर किट का सोलर पैनल, सोलर पैनल तुम्हें सबसे मेन चाहिए जो कि इसमें मिलता है। और दूसरा जो है, दूसरा तुम्हें जैसे कि जैसे इंजन जो होता है, तो इसमें इंजन की जगह मोटर है, तो मोटर के साथ एक मोटर बॉक्स बनता है जिसमें बहुत सारे गियर्स वगैरह लगते हैं, और फिर वो मोटर बॉक्स कंप्लीट होता है, वो एकदम परमानेंट होता है और वो हर प्रोजेक्ट में तुम्हारे लग जाता है। और सोलर पैनल का भी एक बॉक्स बनता है जो कि हर प्रोजेक्ट में लग जाता है, यानी 2 चीजें तो नहीं बदलने वाली, इन्हें बना के रख लेना है अपन को। और भाई जो होता है तीसरी चीज, वो होता है गियर्स एंड शाफ्ट्स एंड बॉडी। ये जो होता है भाई, ये बदलता रहता है मतलब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो भैया अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे बनते हैं, और मैं तुम्हें सारे प्रोजेक्ट्स बना करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक समझाता हूँ, जो कि मैंने तुम्हें बताया कि 3 इंपॉर्टेंट क्या क्या है और ये कैसे होगा। Wally.
ये चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगले बहुत ही धमाकेदार अनबॉक्सिंग गैजेट या फिर वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर किए बिना जाने के तुम सोच भी नहीं सकते भैया। वैसे तुम करते तो कुछ नहीं हो यार, लेकिन बोल देता हूँ हर वीडियो में क्योंकि ये मेरा फर्ज है और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना तुम्हारा फर्ज है। तो ये चलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।